सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने आईसीसी की लेटेस्ट टेस्ट ओडीआई और टी20 रैंकिंग जारी कर दी है, जहां टीम्स और खिलाड़ियों की रैंकिंग में हुआ है बड़ा उलटफेर। अब यहां पर भारतीय टीम का दबदबा कायम हो चुका है। 3-3 ही फॉर्मेट में बादशाहत कायम हो चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया 3-3 ही फॉर्मेट में नंबर वन टीम बन चुकी है, जहाँ टीम इंडिया टी20 की नंबर वन टीम बन चुकी है। इसके अलावा ओडीआई फॉर्मेट के भी नंबर वन टीम बन चुकी है, जबकि टेस्ट फॉर्मेट के भी नंबर वन टीम इंडिया बन चुकी है। तो भारतीय टीम का प्योर डोमिनेशन देखने को मिल रहा है 3-3 ही फॉर्मेट में, और ऐसा करके भारतीय टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही साथ जहां टीम इंडिया 3-3 फॉर्मेट में नंबर वन पर पहुंच चुकी है, जबकि भारतीय खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। जहां टी20 के टॉप 10 बैट्समैन की रैंकिंग में नंबर एक पर सुनील कुमार यादव है, तो वहीं टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में नंबर वन पर रविंद्र जडेजा है, तो वहीं टॉप 10 ओडीआई बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर एक पर मोहम्मद सिराज है, जबकि टेस्ट बॉलर की रैंकिंग में नंबर दो पर रविचंद्रन अश्विन है, तो वहीं टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर दो पर रविचंद्रन अश्विन है, तो वहीं टी20 के टॉप 10 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में नंबर दो पर हार्दिक पांड्या है। तो यहां पर भारतीय खिलाड़ियों या फिर भारतीय टीम पूरी तरह से हावी दिखाई दे रही है आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में। तो बात करते हैं तीनों ही फॉर्मेट की लेटेस्ट रैंकिंग के बारे में। तो आईसीसी की लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 टीम्स कुछ इस तरह से हैं, जहां नंबर एक पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया। जी हां, भारतीय टीम 115 रेटिंग के साथ नंबर वन पर है। नंबर दो पर खिसक गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रेटिंग के साथ। नंबर तीन पर इंग्लैंड की टीम है, जिनका रेटिंग 106 है। नंबर चार पर न्यूजीलैंड की टीम है 100 रेटिंग के साथ। नंबर पांच पर साउथ अफ्रीका 85 रेटिंग के साथ, और नंबर छह पर वेस्टइंडीज 79 रेटिंग के साथ। नंबर सात पर खिसक गई है पाकिस्तान 77 रेटिंग के साथ। नंबर आठ पर श्रीलंका 76 रेटिंग इनका है। नंबर नौ पर बांग्लादेश 46 रेटिंग इनका है, और नंबर 10 पर जिम्बाब्वे की टीम मात्र 25 रेटिंग इनका है। तो टेस्ट फॉर्मेट की नंबर वन टीम भारतीय टीम है। बात करें ओडीआई रैंकिंग के बारे में, तो आईसीसी की लेटेस्ट ओडीआई रैंकिंग की टॉप 10 टीम्स कुछ इस तरह से, जहां टीम इंडिया नंबर वन पर है 114 रेटिंग के साथ। नंबर दो पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है 112 रेटिंग के साथ। नंबर तीन पर न्यूजीलैंड की टीम है 111 रेटिंग के साथ, और नंबर चार पर इंग्लैंड की टीम है 111 रेटिंग इनका है। नंबर पांच पर पाकिस्तान 106 रेटिंग के साथ। नंबर छह पर साउथ अफ्रीका 103 रेटिंग। नंबर सात पर बांग्लादेश 95 रेटिंग इनका है। नंबर आठ पर श्रीलंका 88 रेटिंग इनका है। नंबर नौ पर अफगानिस्तान की टीम 71 रेटिंग इनका है, और नंबर दस पर वेस्टइंडीज की टीम है 71 रेटिंग इनका भी है। तो टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट की तो नंबर वन टीम भारतीय टीम है। बात करें टी20 रैंकिंग की, तो आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग की टॉप 10 टीम्स कुछ इस तरह से, जहां नंबर वन पर भारतीय टीम है टी20 फॉर्मेट में भी 267 रेटिंग के साथ। नंबर दो पर इंग्लैंड की टीम है 266 रेटिंग इनका है। नंबर तीन पर पाकिस्तान 258 रेटिंग के साथ। नंबर चार पर साउथ अफ्रीका 256 रेटिंग के साथ। नंबर पांच पर न्यूजीलैंड 252 रेटिंग इनका है। नंबर छह पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है 251 रेटिंग इनका है। नंबर सात पर वेस्टइंडीज की टीम है 236 रेटिंग के साथ। नंबर आठ पर श्रीलंका की टीम है 236 रेटिंग इनका भी है। नंबर नौ पर बांग्लादेश की टीम है 222 रेटिंग के साथ। नंबर दस पर अफगानिस्तान की टीम है 217 रेटिंग के साथ। तो यार आईसीसी का लेटेस्ट रैंकिंग, जहां टेस्ट हो या फिर ओडीआई या फिर टी20, 3-3 ही फॉर्मेट में भारतीय टीम नंबर वन पर है, पहले स्थान पर मौजूद है।